देखिए, इंग्लिश में आम बोलचाल में एक शब्द का प्रयोग होता है होल्ड। तो इस वीडियो में होल्ड का हिंदी और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, आम बोलचाल में सेंटेंसेस में किस तरह से इस शब्द को प्रयोग करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या मतलब होता है होल्ड का। देखिए होल्ड का मतलब होता है टू कीप समथिंग इन सर्टेन पोजिशन, मतलब किसी चीज को एक खास पोजिशन में पकड़े रखना, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को थामे रहना को हम बोलते हैं होल्ड। तो हिंदी में अर्थ हुआ होल्ड का पकड़, कब्जा, झपट्टा, छीनना, पकड़ना, पकड़े रखना, कब्जे में कर लेना, हाथों या बाहों में कोई चीज को थामना या जकड़ लेना बाहों में, तो उसको हम बोलते हैं होल्ड। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं कैच, ग्रैब, सीज, कैप्चर, ग्रैस्प, क्लच, ग्रिप, क्लैस्प, कंट्रोल एंड ईटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आई हेल्ड द माउस बाय इट्स टेल, मतलब मैंने चूहे को उनके पूंछ से पकड़ लिया था। तो यहां पर माउस का मतलब चूहा। होल्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड, मतलब होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तो यहां पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है आई हेल्ड। दूसरा एग्जाम्पल है कि कैन यू होल्ड माई हैंड टू क्रॉस दिस रोड, मतलब रोड पार करने के लिए क्या तुम मेरे हाथ पकड़ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपने होल्ड शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, डेस्क।